परम श्रद्धेय आचार्य श्री परम वंदनीय साध्वीगण संतगण और सज्जन और माता बहनों, प्रतिवर्ष वर्ष में एक बार तो आचार्य श्री के सन्निधि में हमको आना ही है। यह नियम मैंने बनाया मेरे लिए, क्योंकि काम हमारे दिखने में अलग अलग है और वास्तव में भी थोड़े थोड़े अलग तो है ही, परंतु उसका उपाय जहां से होता है वो धरातल एक ही है और उस धरातल पर जिनका विचरण होता है उनके पास जाने से वो चाबी मिल जाती है जिससे सब ताले खुलते हैं। आप कभी इसका विचार करते हैं कि नहीं? पता नहीं, यहां आके आपको जो पाथेय मिलता है वो केवल आपके अपने सुधार के लिए ही नहीं है, वो तो उससे तो वो होगा ही, लेकिन आपको अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए भी उपयोगी है और देश समाज का काम करना, लोगों को ठीक रखना, इसमें भी वही बात उपयोगी है। अभी आज मैं बैठा और यहां आपके सामने इतने देर बैठा, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं संघ के बाहर के किसी कार्यक्रम में बैठा। संयोग है हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते उसमें हमको जाना पड़ता है, वहां जाके हमको क्या बताना है ये निर्धारित रहते नहीं, विषय कौन से कैसे बताना हमारे पास रहता है, लेकिन क्या बताना ये विषय तो निर्धारित है। इस वर्ष मुझे जो विषय दिया गया वो वही विषय है जो आचार्य श्री ने आज आपके सामने हमारे सामने रखा है। एक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए? अब हमको भी हमारा सेवा कार्य करने वाला, किसी भी संगठन का काम करने वाला स्वयं सेवक जो है संघ का, वो अध्यात्म जानता होगा नहीं जानता होगा, लेकिन उसको क्या करना कैसे करना ये बताना है, तो यही बताना पड़ता है। और ये जो बातें हैं वो बातें आचार्य श्री ने बड़ा मन करके कहा कि अनुभव हमारे पास है। हमारे पास क्या अनुभव है? क्योंकि क्रोध का नियंत्रण तो बाहरी उपाय से होता नहीं, क्रोध तो मन का विचार है और मन को संभालना है, तो बाहर के भूल भुलैये में मन शांत नहीं होता है। अच्छी बातें भी है तो भी उससे उद्वेलित होता है, खराब बातों से क्षुब्ध तो होता ही होता है। हर्ष और अमर्ष, सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों वर्जित है, क्योंकि एक एक तरफ दूसरा दूसरे तरफ मन को आंदोलित करता है, उद्वेलित करता है, उसको शांति नहीं रखता। इन सब बातों को ठीक रखना है तो मूल में भारत में जन्मा, भारत में पला बढ़ा और भारत में आज तक जिसके केवल शास्त्र को नहीं व्यवहार से भी उसको जीवंत रखने वाले आध्यात्मिक साधक, आध्यात्मिक सिद्ध लोग हैं, तब तक उन्हीं के पास जाकर इसको सीखना पड़ेगा। अभी मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे वो टैब रखनी पड़ती है, इंटरनेट का उपयोग ईमेल के लिए तो करना ही पड़ता,
वो रखना है तो उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना है तो आजकल वो एक चार्जर पावर बैंक वगैरह निकली उसका उपयोग करते हैं, लेकिन पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ता है बीच बीच में। तो हमको लोग समझते हैं ये बड़ी पावर बैंक है, स्मार्ट है, ऐसी प्रेरणा देते हो, वैसे हमको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं? और जिस करंट के आधार पर ये सारे काम चलते वो करंट तो सोर तो इधर है, इसलिए प्रतिवर्ष में आता। और यही के बातों को दूसरे रूप में बताता हूं। देश में मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार के जानकार सब लोगों को मिलता हूं, प्रतिवर्ष मिलने का मेरा प्रयास रहता है। यहाँ तो मैं आता ही हूँ क्योंकि उसका एक और कारण है कि विधा में बहुत समानता है, संगत की विधा और तेरा पंथ की विधा, उसका अनुशासन लगभग समान प्रकृति का है और पांच पीढ़ियों का संबंध। सरसंगचालक मेरे पहले पांच हो गए ना, मैं छवा हूँ, डॉक्टर हेडगेवार का तो संबंध नहीं आया लेकिन गुरु जी से संबंध चला रहा है, तो पांच पीढ़ी का ये संबंध भी है, तो उसके कारण एक आत्मीयता भी। कल ही कुछ तरुण कॉलेज विद्यार्थी विद्यार्थिनियों में था, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि देश के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, उन्होंने चुनौतियों का वर्णन किया, ये संकट है, वो संकट है, उससे सबसे बड़ी चुनौती किसको मानना चाहिए? तो मैंने उत्तर दिया कि सबसे पहली सबसे बड़ी चुनौती हमको अपने आप को मानना चाहिए। देश के सामने सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी चुनौती मैं स्वयं हूं, क्योंकि आखिर दुनिया में जो कुछ है वो तो है, वो जैसा है वैसा है, आप क्या करोगे? आपने उसको बनाया नहीं, आप उसमें आ गए, आप भी जो है सो है। अब आपके हाथ में खुद को बदलना है कि दुनिया को बदलना है? अभी आचार्य जी ने बताया, मैं उल्टा चल के ये प्रयास करूं कि मैं आपके गुस्से को शांत कर सकूं, तो मेरे हाथ में तो नहीं है, गुस्सा आपका है, आप करेंगे तभी शांत हो। मेरे हाथ में तो इतना है कि आपका गुस्सा देखे मैं गुस्सा ना हूं, ये गुस्से की बात है ना, ये दोनों तरफ से बढ़ती है। आपने गुस्सा करने के बाद मैंने गुस्सा किया तो ये गुस्से वाला मामला हम दोनों में चलते रहे। आप कितना भी गुस्सा करो, मैंने नहीं ही किया तो क्या होगा? वही बताया, घास फूस नहीं है ऐसी जगह, आपको डाल दिया तो अपने आप शांत हो जाए। अब ये बात मेरे अपने जीवन में भी काम की है, मेरे आध्यात्मिक साधना में भी काम की है, मेरे व्यक्तिगत बाहर के जीवन में भी काम किया। मैं अगर घर गृहस्थी वाला हूं तो घर गृहस्थी चलाते समय अब जिनकी है और जो वहां मुखिया है उनको तो पता है कैसे संभालना पड़ता है, वहां भी काम किए। और बड़े संगठन चलाना है, समाज को इकट्ठा रखना है तो वहां तो अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए धर्म के घटकों में अपने आप प्राय बताया जाता है, सत्य, करुणा, अहिंसा, शुचिता और तपस। सत्य जो है सो है, उसकी प्राप्ति का आप प्रयास करो, आप जैसा समझते हो आपके लिए ठीक है, दूसरे भी अपने अपने बुद्धि से ठीक समझते होंगे, उसके स्वरूप को लेकर झगड़ा मत करो, क्योंकि देखने वाला भी उसको एक नजर से देखता है तो उसके वर्णन में अंतर आ सकता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसा अपने यहाँ कहती है, हमारे यहाँ अनेकांत की बात होती है, स्यादवाद की पूर्ण सत्य की जानकारी किसी एक व्यक्ति के मत परिधि में आ नहीं सकती। अनेक लोग समझते हैं, उनका सबका मिलाकर जो उसके बारे में समझदारी है और उसमें और कुछ ऐसा वो उसका स्वरूप है,
जानना कठिन है, और इसलिए सत्य के स्वरूप को हमने क्या समझा इसको लेकर झगड़ा करना बेकार की बात है। तो सत्य अहिंसा, सबका भला करना है तो पहली बात तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आपको सबके बारे में प्रेम से ही सोचना पड़ेगा, सबके कल्याण की ही बात सोचनी पड़ेगी। आप किसी से शत्रुता मत करो, आपसे शत्रुता करने वाले हो सकते, उनसे आप बचते रहो, और आपकी ओर से जो प्रयास होगा उसमें उनकी शत्रु बुद्धि चली जाए, इसका प्रयास करो। क्योंकि शत्रुता का सिलसिला केवल बल के भरोसे मिटता, बल के भरोसे बचाव हो सकता है। इसलिए अहिंसा की भाषा दुर्बल नहीं करती, ये भी महाराज ने बताया। आपके पास सामर्थ्य है लेकिन आप उसका उपयोग लोगों को दबाने के लिए नहीं करते। शत्रुता का इलाज तो कभी ना कभी बैर को शांत करके ही करना होता है। तो डराना नहीं, डरना नहीं, इतना बल रखना और सबके प्रति उत्तम भावना, उत्तम कामना, आत्मीयता लेके चलना, उसी से सबको देखना, धीरे धीरे सब लोग शत्रुता भूल जाए। उसके लिए मन की पवित्रता चाहिए, मन में विकार नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए, और ऐसा मन साधना है तो उसके लिए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करना पड़ता है, प्रयास करके उसको बनाना पड़ता है। अब मैं अनुभव से बताता हूं आपको कि मुझे अपने मन को अच्छा रखना, अपने जीवन को शांत रखना है, यही करना पड़ेगा। मुझे अपने घर को शांत रखना पड़ता है, यही करना पड़ता है, और मुझे समाज को ठीक रखना पड़ता है तो भी यही करना पड़ता है। और ये करना पड़ता है इसलिए कि उसका मूल एक सत्य में है। तो सत्य की साधना करने वाले, सत्य को ही बोलने वाले और सत्य को ही बरतने वाले ऐसे जितने लोग हैं वो हमारे मार्गदर्शक है, ऐसा हम मानते सकते हैं। हम तो उनके विचारों को, उनके दिए बातों को परंपरा से, सब प्रकार के संप्रदायों में से छनकर ये सारी बातें आई, वो समानी है सर्वत्र, उनको लेके समाज जीवन में उसके प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक प्रयोग को के बाद पाते हैं कि वो जो कहा गया है वो तब भी ठीक था, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहे, ऐसे ही चलना है। तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहली चुनौती आप है, और आपने अपने चुनौती का उत्तर दे दिया, अपने आप को ठीक बनाया, तो आपके सामने टिकने वाली दूसरी चुनौती कुछ नहीं। देश में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ समस्या है, बहुत कुछ संकट है, चलता कैसे आप देख रहे हैं, हम सब सुनते हैं देखते हैं, किसकी गलती है इसकी चर्चा होती है, और तुम्हारी है या मेरी है इसको लेके झगड़ा होता है, और लोगों को बताया जाता है कि वो गलत है, वो बताता है कि ये गलत है, इसके आधार पर अनेक प्रकार के व्यापार चलते हैं, और सारा वातावरण कोई किसी का सहायक नहीं, सब एक दूसरे के विरोधी, ऐसा बनता है। अब ऐसी जो बातें रहती है उसमें थोड़ा टेस्ट भी रहता है ना, रुचि भी, यानी आकर्षकता भी रहती है, जैसे मिर्ची का तीखापन जवान को तो अच्छा लगता ही है, चीनी का मीठापन यद्यपि सेहत को खराब है जवान को तो अच्छा लगता ही है, ऐसे ऐसे जो व्यापार दिखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला है क्या? हम आज देश में जो खराब लोग हैं जिनके कारण देश खराब है, ऐसे 5000 लोगों की लिस्ट निकाल के उनको फांसी दे देंगे तो देश सुधरने वाला है? वो तो मर जाएंगे, लेकिन और 10,000 खड़े हो जाएंगे ना उनके देश। वास्तविक करने का काम अपने देश में क्या है यही समझना कि ये सारे संकट है ना, इसका कारण हम लोग हैं,
कोई बार ऐसा नहीं है जिसका ये सामर्थ्य है कि हमारे इतने प्राचीन देश में इतनी समर्थ समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा अनेक विध एक साथ जिसको मिली है ऐसे देश में हमारा अहित कर सकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। दुनिया में किसी की ये शक्ति ही नहीं है। जिनको ऐसी इच्छाएं थी उन्होंने अपनी शक्ति के प्रयोग किए हैं दुनिया में। गत 2000 वर्ष ऐसे चला है, उन 2000 वर्षों में जिनको नष्ट होना था वो नष्ट हो गए और जिनको टिकना था वो टिक गए। उस कालखंड के पहले से हम हैं और आज भी है, क्योंकि हमको नष्ट करने का हमको खतरे में डालने का सामर्थ्य किसका नहीं है। और सब हमसे अगर इस मामले में दुर्बल है तो उनके तरफ उंगली दुखाना ये बंद करो भाई पहले। क्यों हम इतने समर्थ होने के बाद भी हमको बाहर संकट दिखता है इसका विचार करो। बाहर संकट उसी को दिखता है जो डरता है, तो अपनी दुर्बलता को दूर करो, अपने जीवन को सात्विक बनाओ, अपने जीवन को उपयोगी बनाओ, अपने जीवन को संगठित जीवन बनाओ समाज का। बिना इसके किए ऊपर की मलम पट्टियों से काम नहीं होगा। मूल में हमारे समाज में व्यक्तियों के चारित्र चरित्र और समाज के चारित्र चरित्र में कुछ विसंगतियां त्रुटिता आ गई, इसके चलते जो हम विश्वगुरु थे यहां तक आ गए। अब इसको ठीक करना है तो वही उपाय करना पड़ेगा, और वो उपाय करने में जो मैदान का काम है हम करते हैं, और मैदान का काम जिन इशारों पर चलता है वो इशारे यहां से मिलते हैं, उसको सतत संपर्क में रखकर उन इशारों को मैदान तक पहुंचाना, ये काम करने वाले सब संत हैं। जैसे लड़ाई में युद्ध चलता है तो लड़ने वाले, लेकिन लड़ने वालों को आजकल के युद्ध में दुश्मन सामने तो दिखता है, तो उसको देख सकने वाले जो वो जानकारी पहुंचा, तो वहां से रेडियो संदेश आता है कि तुम्हारे बाएं तरफ 25 मील पर उसका तोपखाना है, वहां तुम डाबो गोला ध्वस्त हो जाएगा, फिर वो वहां का संधान करते हैं। ऐसे समाज में जितने अच्छे काम चले हैं, अच्छे उद्देश्य चले, प्रामाणिकता से चले, समाज को ठीक करने के लिए चले, उनको कहां क्या कैसे करना चाहिए इसका संदेश जहां से मिलता है वहां से संदान मात्र को संदेश प्राप्त करके उसको पहुंचाने वाले के हमारे मां। और इसलिए मैं बार बार मिलता हूं आपसे, भी मेरा एक ही निवेदन है कि आप उनको सुनकर, अध्यात्म कोई जीवन से नित्य जीवन से संबद्ध बात नहीं है ऐसा मत मानिए। यहां की बातें आपको यह लोक में परलोक में सर्वत्र आपके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आपके घर गृहस्थी और उद्योग के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, समाज के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सर्वत्र काम में आने वाली समान बातें यहां से मिलती है। उस दृष्टि से उसका विचार करना और उन बातों को व्यवहार में उतारना ये प्रयास हम सब करें, ऐसा अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं।